आखिर क्यों वीरेंद्र सहवाग ने अपने ही बहन से कर लिया था शादी? ऐसे पांच क्रिकेटर जिन्होंने अपने बहन से ही रचा ली शादी, सबके खिलाफ जाकर किया लव मैरिज। नंबर वन, वीरेंद्र सहवाग। इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। सहवाग एक हरफन मौला खिलाड़ी हैं, मगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वीरेंद्र सहवाग का नाम भी उन क्रिकेटरों के लिस्ट में आता है जिन्होंने अपनी बहन से शादी किया है। वीरेंद्र सहवाग ने अपनी बचपन की दोस्त और कजिन सिस्टर आरती अहलावत से शादी किया था। सहवाग की शादी 2004 में हुई थी। आरती अहलावत सहवाग की दूर की कजन सिस्टर थी। इस शादी के लिए दोनों के परिवार वाले बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। नंबर दो, बाबर आजम। पाकिस्तान टीम के कप्तान जिनकी तुलना विराट कोहली से की जाती है, मगर वो विराट कोहली का 1% भी नहीं है। बाबर आजम जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। बाबर आजम फिलहाल अपनी कजन सिस्टर के साथ रिलेशनशिप में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाबर आजम की होने वाली पत्नी उनके मामा की लड़की है, मतलब अपने ही ममेरी बहन से शादी करने वाले हैं बाबर आजम। नंबर तीन, शाहिद अफरीदी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बॉलर शाहिद अफरीदी गेंदबाजी के साथ साथ एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज भी रहे हैं। शाहिद अफरीदी जब महज 20 साल के थे तो अपने मामू की बेटी यानी कि अपने ही ममेरी बहन से शादी कर लिया था। इस शादी से शाहिद अफरीदी को 5 बच्चे हुए और ये शादी उस वक्त काफी सुर्खियों में बनी हुई थी। चार, मुस्तफुर रहमान। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफुर रहमान अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कुछ महीने पहले ही अपनी चचेरी बहन से शादी की थी। अपनी चचेरी बहन से शादी करने की वजह से मुस्तफुर रहमान को खूब ट्रोल किया गया था। इनकी चचेरी बहन जो इनकी पत्नी है उनका नाम सामिया परवीन है। एम हुसैन। बांग्लादेश के क्रिकेटर एम हुसैन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियों में रहे हैं। 16 साल की छोटी सी उम्र में ही इन्होंने अपनी चचेरी बहन से शादी कर ली थी। शादी के कुछ सालों के बाद ही पत्नी ने इन पर दहेज मांगने और मारपीट करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद इन्हें बांग्लादेश क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया गया था।